वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चमत्कारी टोटके यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं चमत्कारी टोटके, चमत्कारी उपाय, बहुत सारी ऐसी रोचक जानकारी जो आपके जीवन से हर तरह की परेशानी और कठिनाई को दूर कर देगी। तो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए चमत्कारी टोटके यूट्यूब चैनल को। हमारे वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे लगातार। इस गणेश चतुर्थी पर करें ये उपाय और होगी हर परेशानी आपसे दूर। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी को हिंदुओं का प्रमुख त्योहार गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। गणेश पुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार इसी दिन समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले कृपा के सागर भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का आविर्भाव हुआ था। भगवान विनायक के जन्म दिवस पर मनाए जाने वाला ये महापर्व महाराष्ट्र सहित भारत के सभी राज्यों में हर्षोल्लास पूर्वक और भव्य तरीके से मनाया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 25 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। मध्याह्न गणेश पूजा का समय होगा 11:06 से 1:39 तक। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ था, इसीलिए मध्याह्न काल के समय को गणेश पूजा के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। अर्थात गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है और ये दिन गणेश विसर्जन के नाम से जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धालु जन बड़े ही धूमधाम के साथ सड़क पर जुलूस निकालते हुए भगवान गणेश की प्रतिमा का सरोवर, झील, नदी में विसर्जन करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। दोस्तों, इस महापर्व पर लोग प्रातः काल उठकर सोने, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर षोडशोपचार विधि से का पूजन करते हैं। पूजन के बाद नीची नजर से चंद्रमा को अर्घ देकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। इस पूजा में गणपति को 21 लड्डुओं का भोग लगाने का विधान है। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्ज होता है। ऐसा माना जाता है इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से मिथ्या दोष अथवा मिथ्या कलंक लगता है, जिसकी वजह से दर्शनार्थी को चोरी का झूठा आरोप भी सहना पड़ सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण पर स्यमंतक नाम की कीमती मणि चोरी करने का झूठा आरोप लगा था। झूठे आरोप में लिप्त भगवान कृष्ण की स्थिति देख के नारद ऋषि ने उन्हें बताया कि भगवान कृष्ण ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखा था, जिसकी वजह से उन्हें मिथ्या दोष का श्राप लगा था। नारद ऋषि ने भगवान कृष्ण को आगे बताया कि भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि जो व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दौरान चंद्रमा के दर्शन करेगा वो मिथ्या दोष से अभिशापित हो जाएगा। नारद ऋषि के परामर्श पर भगवान कृष्ण ने मिथ्या दोष से मुक्ति के लिए गणेश चतुर्थी के व्रत को किया और मिथ्या दोष से मुक्त हो गए। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि गणेश चतुर्थी पर किस कामना के लिए क्या उपाय करना चाहिए। गजानन गणेश की संकल्प अनुसार साधना करने से विघ्नहर्ता भक्तों की बिगड़ी बन जाती है। भगवान गणेश स्वयं रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता हैं। वो भक्तों की बाधा, संकट, रोग, दोष तथा दरिद्र को दूर करते हैं। गणेश चतुर्थी पर गणपति की संकल्प पूर्वक साधना आराधना करने से भक्त को चिंताओं से मुक्ति मिलती है, इच्छाएं पूर्ण होती हैं और मन स्थिर रहता है। अन्न और धन के भंडार में बरकत होती है तथा विघ्न दूर होकर सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि अगर आपकी इच्छा है तो उसे पूरा करने के लिए आपको किस तरह से गणपति की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले है विवाह के लिए। विवाह के लिए ओम ग्लोम गणपते नमः की 11 माला कीजिए तथा गणेश स्त्रोत का पाठ नित्य करना चाहिए। मोदक का भोग लगाइए। भूमि प्राप्ति के लिए, भूमि प्राप्ति के लिए संकटनाशक गणेश स्रोत एवं ऋण मोचन मंगल स्रोत के 11 माला पाठ करें। नए घर के लिए, घर के लिए श्री गणेश पंचरत्न स्रोत और भुवनेश्वरी चालीसा या भुवनेश्वरी स्रोत का पाठ करना चाहिए। संपत्ति प्राप्ति के लिए, संपत्ति प्राप्ति के लिए गणेश चालीसा, कनक धारा स्रोत और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से आपको गणपति की पूजा करनी चाहिए अपनी अलग अलग कामना की पूर्ति के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए चमत्कारी टोटके यूट्यूब चैनल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें।